हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता होगा कि नीट का नोटिफिकेशन जो है वो आया है। इसमें नीट के जो डेट 9 मार्च लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और हम लोग अभी एग्जाम मैपिंग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, और इस एग्जाम मैपिंग सीरीज में हम लोग सेल साइकिल सेल डिविजन चैप्टर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। यदि हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, और इससे एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मतलब या तो आपको 4 या फिर 8 नंबर है। ठीक है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, मतलब टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात। आप लास्ट तक देखना है, लास्ट तक देखेंगे इसमें हम लोग कुछ एमसीक्यूज वगैरह की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आप देखोगे एमसीक्यूज वगैरह भी इसमें आपको मिलेंगे। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि ये एग्जाम मैपिंग सीरीज है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि फास्ट किया जाता है, मतलब क्लासेज जो होती है उसको थोड़ा सा फास्ट प्रोग्रेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करें कि सेल कहते किसको है। तो आपको ये पता होगा सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, तो सेल क्या होता है कि किसी भी लाइफ की बात करें या ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो सेल से हुआ है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी कई सेल्स से मिलकर बने हुए हो सकते हैं। यूनिसेलर होंगे तो उनके बॉडी एक ही सेल के बने हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, लेकिन सेल का बॉडी के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो होगा वो डेफिनेटली सेल से ही हुए, इसलिए सेल को हम लोग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कि यहाँ पे आप क्या देखोगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके जिनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके सारी एक्टिविटी जो होती है वो कौन परफॉर्म करता है, सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है एक ही सेल, सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कौन सेल को देखा था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। उन्होंने अपने एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क जो था, कॉर्क क्या होता है डेड सेल होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े थोड़ा स्लाइस पतला सा एक टुकड़ा लिया और उसकी स्टडी माइक्रोस्कोप से उन्होंने किया, तो उनको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखने को मिला और उसी कंपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सेल कहते हैं आजकल। तो रॉबर्ट हुक, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द सेल, आपके आंसर होना चाहिए रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व लिविंग सेल, तो आपके आंसर होने चाहिए एंटनी वॉन लेवेनहॉफ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इसके बाद देखिए दो साइंटिस्ट, एक है मैथिया श्लीडन और दूसरे हैं थियोडोर शॉन। मैथिया श्लीडन और थियोडोर शॉन ने, इन दोनों ने क्या किया था, सेल थ्योरी के बारे में प्रपोज किया था कि सेल थ्योरी होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कुछ बातें इन्होंने बताई कि हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो होंगे सेल के बने हुए होते हैं, एक तो बात सही है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है वो उसके अंदर मिलने वाले हर एक सेल जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है। जैसे कि आप एक चीज देखिए कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो वो उसके क्या हो गए, सेल हो गए। तो किस प्रकार से सारी एम्प्लॉयज होती है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, बिल्कुल उसी तरह की बात यहाँ पे होती है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने कंस्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स मिल करके कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिज्म का वो फंक्शन होता है। ठीक है, तो यही बातें लिखी गई है। अब देखो क्या है कि यदि हम
सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके ड्रॉबैक हैं, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या है, तो जब मिथिया श्रीडन एंड थ्योडर शॉन ने बताया था उस समय उन्होंने ये बताया था कि सेल हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडीज होते हैं सेल के बने होते हैं, बात सही है। उसका जो फंक्शन होगा वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के कोऑर्डिनेटेड फंक्शन से होंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये जो सेल हैं वो सेल आएंगे कहाँ से, मतलब नए सेल की जो ओरिजिन होती है ये उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ ने एक टर्म दिया था, देखिए इनका क्या टर्म था, इन्होंने एक टर्म दिया था ओमिनिस ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब इसका मतलब ये होता है कि लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। नए सेल होगा वो अपने पहले वाले सेल से उसका ओरिजिन होता है, यही है न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। अब देखो क्या किया गया कि पहले जो सेल थ्योरी दिया गया था उस सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्चाउ ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें दे दी गई और फिर उन सारी, ठीक है। इसके बाद देखिए कि मॉडिफिकेशन किए गए थे और मॉडिफिकेशन करने के बाद ये बताया गया कि नए सेल का ओरिजिन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। अब देखो ये जो दो नए सेल हैं इसका फॉर्मेशन किससे होगा, एक पुराने वाले सेल से हो गए, तो जो पहले सेल हैं उसे प्री एग्जिस्टिंग कहते हैं, जो पहले से आए हैं। तो ये वाले क्या हैं, प्री एग्जिस्टिंग, ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल नए सेल हैं। तो ये नए सेल ये दोनों हैं और ये कैसे हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ठीक है। तो ये बातें सेल थ्योरी में बताया गया था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं शेप ऑफ सेल की बात। तो हम ये जानते हैं कि सेल का शेप हर एक ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं है। किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं कि सेल जो होते हैं, देखिए यहाँ पे बाइकनकेव हैं, आरबीसी की बात करें यहाँ पे देखिए डब्ल्यूबीसी में अमीबॉइड की तरह हैं, इसके बाद देखिए कॉल्यूबनर है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि किसी में राउंड है, मेसोफिल सेल की बात करें। इसके बाद देखिए ट्रैकिड्स जो होते हैं, ट्रैकिड्स में किस प्रकार के होते हैं, तो ये देखिए एलोंगेटेड है। और इसके बाद देखिए नर्व सेल जो होता है ब्रांच होता है, मतलब हर एक सेल का शेप अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए साइज की बात करें, साइज की बात करें तो सेल की साइज को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग माइक्रोन या माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये पता है कि एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर जो होते हैं वो किसके बराबर, एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर जो होते हैं वो बराबर होता है 10^-6 मीटर के बराबर, मतलब एक मीटर को यदि 1000 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक मिलीमीटर होगा, और एक मिलीमीटर को फर्दर 1000 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो एक माइक्रोन, मतलब एक मीटर हमारे पास एक लंबे यदि धागे हैं और उसको हमने 1000 टुकड़े में डिवाइड कर दिया तो उसका एक टुकड़ा जो होता है वो एक मिलीमीटर होता है, और एक मिलीमीटर लंबाई के कोई धागे हैं उसको फर्दर 1000 टाइम्स यदि उसको काटा जाए तो जो एक टुकड़ा हमारे पास होगा उसे एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल होते हैं छोटे होते हैं, ये हमें पता है। तो बैक्टीरियल सेल की साइज कितनी है, 3-5 माइक्रोन के बीच में, 3-5। लेकिन इसमें देखिए माइकोप्लाज्मा जो होते हैं बैक्टीरियल सेल की साइज से भी 10 टाइम्स कम होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटे सेल कौन से होते हैं, माइकोप्लाज्मा। नर्व सेल सबसे लंबे सेल होते हैं, एक ऑफ ऑस्ट्रिच जो होते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेल, सेल की टाइप की बात करें दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है,
और हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सेल आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं इसमें, या बैक्टीरियल सेल आएंगे। इसके बाद देखिए और कौन आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और कौन आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं, तो ये सारे आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ जिस सेल की बात आपको बताई गई है वो किसकी बात बताई गई है, ये जो है एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है। यहाँ जिस सेल की बात हम लोग कर रहे हैं कौन सा सेल है, देखो यहाँ पे जिस सेल की बात हम कर रहे हैं ये एक बैक्टीरियल सेल, देखिए ये जो है एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब देखो ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में देखिए क्या क्या मिलेगा, बैक्टीरियल सेल के सबसे बाहर वाले पार्ट कौन से हैं, देखिए ये वाले जो हैं, ये वाले जो पार्ट हैं सबसे बाहर वाले हैं, कौन से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे बाहर की ओर पार्ट, ये वाले, इसको हम लेंगे इसमें कैप्सूल का, ये जो पार्ट है ये वाले, ये सबसे बाहर वाले पार्ट, इसको हम लोगों ने क्या कहा, कैप्सूल कहा। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे बाहर वाले पार्ट हैं इसमें इसे एक्चुअल में हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं इसको, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स में दो बातें होती है, कहते हैं कि इसमें यदि टफ होता है, यदि टफ होगा दो बातें होती है, टफ होगा और दूसरी बात होती है कि लूज होते हैं, लूज यदि टफ होंगे, अब मैं थोड़ा सा डिसअपीयर हो रहा हूँ, तो देखिए जो टफ होते हैं, देखिए जो टफ है, टफ जो होंगे वो कैप्सूल होते हैं जो अभी दिख रहा है आपको, और जो लूज होंगे उसको हम लोग कहते हैं स्लाइम लेयर, देखिए ये जो है इसे स्लाइम लेयर कहते हैं, स्लाइम लेयर, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि दो लेयर देख रहे हो, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर का क्या काम, स्लाइम लेयर का काम होता है सेल को डेसिकेशन से बचाना, मतलब आप कहोगे सर ये डेसिकेशन क्या होता है, तो डेसिकेशन क्या होगा कि सेल जब प्रेजेंट होते हैं तो उससे वाटर या मिनरल लॉस, तो ये क्या करता है वाटर और मिनरल लॉस से सेल को बचाता है, मतलब कहने की बात होती है ये सेल को डेसिकेशन से बचाता है, ठीक है। और यदि हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल का काम क्या होता है, कैप्सूल जो होते हैं जैसे कोई बैक्टीरिया किसी होस्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए किसी ह्यूमन के अंदर एंटर कर गया, तो बैक्टीरिया तो पैरासाइट है, लेकिन ह्यूमन क्या होगा, ह्यूमन जो है वो क्या है, ह्यूमन हो जाएंगे होस्ट। अब जैसे ही बैक्टीरियल सेल आपके बॉडी के अंदर एंटर कर देता है तो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ उसका एक प्रकार का बैटल होता है, एक प्रकार की लड़ाई, उस लड़ाई में जिसकी जीत होती है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन कितना स्ट्रांग है। तो ये जो कैप्सूल है उस लड़ाई में ये बैक्टीरिया को कवच प्रोवाइड करता है, इसलिए कहते हैं कि ये हाइड किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट के इम्यून सिस्टम से इसे बचाने में हेल्प करता है। अब देखिए इसके बाद सेल वॉल है, और बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होते हैं ये बने होते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकेन के बने हुए होते हैं, ठीक है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन के बने, ठीक है। अब देखो कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल को स्टेन करने के बेसिस पे, मतलब सेल वॉल को स्टेन होंगे या नहीं होंगे इसके बेसिस दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। अब वो जो ग्राम स्टेन है, ग्राम स्टेन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक स्टेनिंग दिया था, एक कुछ कलर बताया, उस कलर से यदि उसको स्टेन किया जा सके तो ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, जिसको स्टेन नहीं किया जा सकता ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो कैसे किया था, देखिए जैसे मान लीजिए दो बैक्टीरिया लिया, अब बैक्टीरिया किस पे लेंगे, स्लाइड पे लेंगे, ग्लास स्लाइड होते हैं, सो बैक्टीरिया को दोनों को हमने लिया, ठीक है। और दोनों बैक्टीरिया को जो हमने ग्लास स्लाइड पे लिया, ये बात क्या करेंगे कि दोनों को हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर डिप करते हैं, और यदि दोनों को क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर डिप करते हैं तो उसके बाद इसमें क्या होगा, यदि दोनों बैक्टीरिया को हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट में डिप करेंगे तो दोनों स्टेन हो जाते हैं। इसके बाद फिर दोनों को क्या करते हैं कि फिर आयोडीन में डिप करते हैं, आयोडीन में डिप करने से क्या लाभ होता है कि जब इसको आयोडीन में डिप करते हैं तो उसके कारण इसमें क्या होता है कि स्टेन जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं,
आयोडीन जो होता है वो फिक्सेटिव के रूप में काम करते हैं, वो क्या करेगा बैक्टीरियल सेल वॉल में इसको फिक्स करके रखता है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एसीटोन से इसको स्नान करवाते हैं, मतलब इसको वॉश करेंगे, और जब वॉश करने के बाद जो बैक्टीरिया कलर को रिटर्न करता है उसको ग्राम पॉजिटिव, जो कलर को रिटर्न नहीं करता उसको ग्राम नेगेटिव करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ग्राम स्टेन वॉश करने के बाद जो रिटर्न करता है उसको ग्राम पॉजिटिव, जो वॉश करने के बाद जो ग्राम कलर्स को रिटर्न नहीं कर पाता उसे ग्राम नेगेटिव। अब देखो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि जिसके बैक्टीरिया के सेल वॉल में अधिक लिपिड होंगे जब उसे एसीटोन या अल्कोहल में वॉश करेंगे तो उसे बड़े बड़े पोर्स क्रिएट होंगे, और ये जो बड़े बड़े पोर्स क्रिएट होंगे उसके कारण क्या होगा क्रिस्टल वॉयलेट बाहर निकल जाएगा, जब क्रिस्टल वॉयलेट बाहर निकल जाएंगे तो फिर कलर रिटर्न नहीं हो पाते। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होता है कि लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ग्राम स्टेन जैसे ही एसीटोन या अल्कोहल से वॉश करते हैं तो क्योंकि लिपिड अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, सोचिए कि आपके घर है उसमें यदि विंडो लकड़ी जितनी भी लगी हुई हो वो यदि डिजोल्व तो केमिकल यूज करें और लकड़ी डिजोल्व, तो जहां जहां पे लकड़ी लगी हुई होगी वहां पे वो डिजोल्व हो जाएंगे, पोर बनाएंगे। अब कितने बड़े पोर होंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस घर में जो लकड़ी इंस्टॉल किए गए हैं वो उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है, और कितने एरिया में वो दिया गया ये इस बात पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीज। अब देखिए इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है कि सेल वॉल की बात हो चुकी है, सेल वॉल के अंदर एक और लेयर होते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दीजिए या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन कह दीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसमें देखिए लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रोटीन होते हैं। देखिए लिपिड के बाई लेयर्स हैं, ये लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं। इसके बाद क्या होता है इसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होते हैं प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, तो ये देखिए ये जो है इसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है, कुछ प्रोटीन इधर की ओर होते हैं कुछ पेरिफेरी में लूजली अटैच होते हैं, तो लिपिड प्रोटीन से अटैच होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिपिड और प्रोटीन जो दो कंपोनेंट इसके होते हैं उसमें से ये दोनों कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे प्रोटीन और लिपिड की बात की, अब क्वेश्चन ये उठता है क्या लिपिड और प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं क्या वो स्टैटिक होते हैं, नहीं, वो मूवमेंट शो करते हैं, मतलब लिपिड भी मूव कर रहे हैं प्रोटीन भी मूव कर रहे हैं, और ये मूवमेंट आवश्यक होता है तभी जाकर के कुछ चीजें जो सेल के अंदर आती हैं और कुछ चीजें सेल के बाहर जाती हैं। लेकिन यदि लिपिड और प्रोटीन की मूवमेंट एक लेवल से अधिक हो जाए तो क्या हो, यदि लिपिड और प्रोटीन की मूवमेंट एक लेवल से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएंगे अनस्टेबल। ठीक है, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। देखिए यहाँ पे होंगे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर के रूप में प्रेजेंट होता है होपेनोइड, होपेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर के रूप में, तो ध्यान रखना है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होंगे, सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद देखिए कि और यदि हम बात करें तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म, देखिए ये वाले जो पार्ट है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म, क्योंकि आपको पता है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें तो बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, गॉल्गी बॉडी होते हैं, एंडोप्लाज्म, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या किसी प्रकार का कोई कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है, कोई कंपार्टमेंट वगैरह, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बिल्कुल एक पुराने घर की तरह, जैसे पुराने घर में क्या होता कि एक ही कंपार्टमेंट होते हैं, उसी में खाना बनाना है, उसी में पूजा करना है, वहीं पे सोना है, वहीं पे
सारी एक्टिविटी एक ही कंपार्टमेंट में, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी एक्टिविटी एक ही कंपार्टमेंट पे करना होता है, उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं होते हैं। तो अब देखो क्या होगा, जितनी भी एक्टिविटी होगी साइटोप्लाज्म में होंगे, इसके बाद देखो साइटोप्लाज्म में हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं उसकी एक इनफोल्डिंग होती है जिसे हम लोग यहाँ पे मेसोसोम कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग होती है उसको क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम क्या करता है कि ये जो न्यूक्लियॉइड है इससे अटैच होता है, और न्यूक्लियॉइड मुख्य रूप से डीएनए होते हैं, लेकिन डीएनए के साथ साथ डीएनए प्लस प्रोटीन और कुछ अमाउंट में इसमें आरएनए भी प्रेजेंट काफी ध्यान रखते हैं। तो मेनली क्या होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन होते हैं। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि डीएनए, देखो डीएनए यहाँ पे आप कहोगे कि सर इसमें तो न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके बहुत सारे हैं सुपरकॉइल्ड फॉर्म में, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जबकि यदि हम बैक्टीरिया सेल की बात करें तो बैक्टीरिया सेल के अंदर ऐसे करके कॉइल्ड करके दिखता है, जबकि डीएनए यदि सर्कुलर है तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो डीएनए यहाँ पे कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं एंड सर्कुलर होते हैं, ठीक है। अब है क्या कि बैक्टीरियल सेल की साइज से अधिक साइज किसकी होती है, तो इसकी अधिक साइज होती है डीएनए की, डीएनए की लंबाई अधिक होती है, साइज अधिक होती है। तो बड़े साइज वाले डीएनए को यदि छोटे बैक्टीरियल सेल के अंदर एकोमोडेट करना चाहेंगे तो ये कैसे संभव है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सुपर कॉइल करना होगा, ठीक है। सुपर कॉइल करने के लिए क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डीएनए है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा, कॉइल करना होगा, और कॉइलिंग करने के लिए क्या करना होगा, जैसे इसको कॉइल करेंगे और फिर जैसे छोड़ेंगे तो अनकॉइल हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन यूज किया जाता है जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं यहाँ पे पॉलीएमिन्स, ये पॉलीएमिन्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि डीएनए को कॉइल्ड करके रखना, ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियॉइड जो होते हैं इसे सुपर कॉइल्ड फॉर्म में मेंटेन होते हैं। इसके बाद देखिए दूसरे हम तो न्यूक्लियॉइड के बारे में हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, कैसे, मतलब डीएनए या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह सकते हैं, इसमें जिस प्रकार के क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वैसे नहीं होते, क्योंकि तो वो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर होता है, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियस तो होते नहीं है, हाँ न्यूक्लियस के अंदर जिस प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियॉइड होता है, तो न्यूक्लियस की तरह का होता है, न्यूक्लियस ट्रू नहीं होते लेकिन न्यूक्लियस की तरह के कोई स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो इसके बाद प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में भी क्या होता है, इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होते हैं, और कोई भी बैक्टीरिया यदि किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट होता है या नहीं होता है ये बात कॉमन है, ये बात जो होते हैं इस प्लाज्मिड के ऊपर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया यदि पेनिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस है तो उसके प्लाज्मिड पे पेनिसिलिन के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंट जीन होते हैं वो प्रेजेंट होता है। इसके कारण क्या होंगे कि ये बैक्टीरिया पेनिसिलिन के अगेंस्ट में क्या होंगे, रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब सेल ऑर्गेनल्स तो इसमें नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो होता है जिसे राइबोसोम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन के सिंथेसिस करना, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, ठीक है, राइबोसोम की को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन होते हैं सिंथेसाइज। अब आगे की बात करें तो इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। अब यहाँ पे बात होती है कि इंक्लूजन बॉडीज का क्या मतलब है,
इंक्लूजन बॉडीज का मतलब वैसी चीजें जो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड हो बिना किसी मेम्ब्रेन के, मतलब यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन स्वेयर है कुछ होते नहीं है, डायरेक्टली ये साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है और पानी के अंदर में कंकर पत्थर डाल दीजिए, क्या होंगे कंकर पत्थर क्या होंगे, डायरेक्टली इसमें एम्बेडेड होंगे। और दूसरी बात होगी उस कंकर को या पत्थर को आप क्या कीजिए एक बैग के अंदर रख करके उस पानी के अंदर डाल, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बैग के अंदर डाल करके रखेंगे तो उसे हम लोग इंक्लूजन नहीं कहते, ठीक है। हाँ, यदि वो डायरेक्टली पानी में एम्बेडेड होंगे तो उसे हम लोग इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, ये अंतर, ठीक है। चलिए आगे की बात। अब देखो क्या होता है कि जैसे ये सेल है तो सेल के सरफेस पे देखिए बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और जिसे हम लोग पिलाई या फिम्बरी कहते हैं। पिलाई जो होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, फिम्बरी जो होते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। ये पिलीन या फेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस से इस बैक्टीरियम को अटैच करने में कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है हो सकता है लोकोमोशन हेल्प करता हो, बिल्कुल नहीं। ये किस में हेल्प करता है, सरफेस से अटैच करने में हेल्प करता है, सबस्ट्रेटम से बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है पिलाई या फेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको लोकोमोशन करने के लिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर जो है इसको फ्लैजिला कहते हैं। ये फ्लैजिला जो है लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसको फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और ये लोकोमोशन में हेल्प, तो ये आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज। अब यहाँ पे कुछ बातें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ बातें क्या, देखिए ये तो बैक्टीरियल सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन क्या ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ऐसी बात होती है? बिल्कुल, देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी में ऑलमोस्ट यही बातें होती है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। अंतर क्या होता है, देखिए जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के यदि कोई सेल है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि सारी चीजें ऐसे ही होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होंगे। और इस क्रोमैटोफोर में क्या होता है, इस क्रोमैटोफोर में होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे देखिए प्रेजेंट होता है, तो ये मैंने बताया आपको क्रोमैटोफोर। और ये क्रोमैटोफोर जो होते हैं ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्रोमैटोफोर जो है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। अब ये क्रोमैटोफोर पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो किसमें हेल्प करता है, वो जो है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस पे। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए देखने को आपको मिलेगा, मैं अभी डिसअपीयर हो गया हूँ क्योंकि तो मेरे पीछे कुछ चीजें छिप रही थी, इसलिए मैं डिसअपीयर हो गया। अब जो ये फाइकोबिलिन्स हैं, फाइकोबिलिन्स के ग्रुप को कहते हैं फाइकोबिलिजोन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, फाइकोबिलिन्स होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, फाइकोबिलिन्स होता है। ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए और क्या देखने को मिलता है, मैं फिर से आ रहा हूँ। अब देखिए और क्या देखने को मिलता है, अब देखो देखने को मिलता है क्या यहाँ पे, यहाँ पे यदि बैक्टीरिया यदि होंगी तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन यदि ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे तो यहाँ पे सूडो वैक्यूल या गैस वैक्यूल देखने को मिले। और गैस वैक्यूल का काम क्या होता है, गैस वैक्यूल का काम होता है ब्यूएंसी में हेल्प करता है, मतलब फ्लोटिंग हेल्प। गैस वैक्यूल में गैस बड़े होंगे, गैस बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएंगे, तो ये ये ब्लू ग्रीन एल्गी को हल्का करेगा, तो ये सरफेस से पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही गैस इससे निकलेंगे तो वो फिर क्या होंगे, फिर बॉटम में चले जाएंगे, इसको कहते हैं ब्यूएंसी में ये हेल्प, ठीक है। चलिए आगे की बात, तो ये मैंने कुछ बातें ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में मैंने कुछ डिफरेंसेस वाली बातें मैंने आपको बताई। अब देखो यदि माइकोप्लाज्मा होगा तो क्या होगा, ठीक है, यदि माइकोप्लाज्मा होगा तो क्या होगा। देखो यदि माइकोप्लाज्मा होंगे तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि इसमें ये जो डीएनए है, डीएनए कैसे हैं ये सर्कुलर होते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा के डीएनए कैसे होते हैं, माइकोप्लाज्मा के डीएनए होते हैं लीनियर, ऐसे डीएनए होंगे, यूकेरियोट के डीएनए होते हैं लीनियर होते हैं, ठीक है।
एक बात, दूसरी बात, माइकोप्लाज्मा में ये सेल वॉल नहीं होता। दो बातें मैंने बताया, माइकोप्लाज्मा के डीएनए लीनियर होते हैं और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। ये दो बातें आपको ध्यान से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें के बारे में हमने डिस्कस किया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो माइकोप्लाज्मा या ब्लू ग्रीन एल्गी के बैक्टीरिया से। अब देखिए, बैक्टीरिया के शेप की बात करें तो बैक्टीरिया कई प्रकार के शेप होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ कॉमा शेप्ड, ये सारी चीजें। अब देखिए यूकेरियोट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो एक पुराने घर की तरह होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक सेल कैसे, यूकेरियोटिक सेल होते हैं नए घर की तरह। और नए घर में क्या होता है कि हर एक काम के लिए कुछ डेडिकेटेड कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, हर एक काम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड कंपार्टमेंट होते हैं, इसीलिए ये इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। देखिए कैसे, तो देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में अलग काम करने के लिए हैं, लाइसोसोम में अलग काम होंगे, इसके बाद देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अलग अलग काम होता है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपको यूकेरियोटिक सेल में देखने को मिल रहा है। अब देखो ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल। अब देखो कि प्लांट सेल में कुछ चीजें यहाँ पे देखो, जैसे यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है, जो एनिमल सेल में नहीं होता। इसमें से देखिए कौन सी चीजें एनिमल सेल में, एनिमल सेल में कौन सी चीजें नहीं होती, गॉल्गी अपरेटस तो होता है, लेकिन गॉल्गी अपरेटस को एनिमल सेल में क्या कहते हैं इसको, मतलब यहाँ पे प्लांट सेल में इसको बेस्ट कहते हैं, डिप्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में इसको हम लोग गॉल्गी बॉडी कहते हैं। अब कहते हैं दोनों में क्या अंतर हो, अब देखिए जैसे ये क्या है, सिस्टर्नी है, ये जो सैकल एक्सपर्ट, तो प्लांट सेल में जैसे ये कौन सेल है, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में ये स्टैक्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं का आपस में कनेक्टेड होते हैं, जब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं गॉल्गी बॉडी। एनिमल सेल में कैसे होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे, जैसे देखिए ये आपस में, इसमें आपको कनेक्टेड दिखेगा, ये ऐसे के बाद ये ऐसे, ये इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, इस प्रकार से कनेक्टेड, जबकि प्लांट सेल में ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसको डिप्टियोसोम कहते हैं। इसके बाद देखो एमाइलोप्लास्ट, मतलब क्योंकि प्लाज्मिड प्लास्टिड सॉरी प्लास्टिड इसमें नहीं होता है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होते हैं, वैक्यूल लार्ज वैक्यूल नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें जो एनिमल सेल में है वो प्लांट सेल में नहीं होता। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे वैक्यूल है लेकिन स्मॉल साइज के वैक्यूल यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या नहीं होता है, तो लाइसोसोम जो है ये नहीं प्रेजेंट होते इसमें प्लांट सेल में, हालांकि लाइसोसोम की तरह कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों के बीच। तो सबसे पहला जो एनिमल सेल का कंपोनेंट है सेल के सबसे बाहर की ओर, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन प्लांट में देखिए ये वाले जो सबसे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात पहले डिस्कस करने वाले। अब देखिए सेल वॉल क्या होता है, अब देखो यदि हम सेल वॉल की बात करें तो सबसे पहले देखिए प्लांट का जो सबसे बाहर वाले पार्ट होते हैं, जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग सेल वॉल, ठीक है। और ये सेल वॉल किसके बने होते हैं, हमें पता है ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं, ये तो हमें पता है। इसके अतिरिक्त ये जो होता है ये हेमी सेल्यूलोज के बने होते हैं, हेमी सेल्यूलोज के बने, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है और भी कुछ चीज़ें होती है। देखो कई बच्चों की कंफ्यूजन होता है कि सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज क्या होता है, देखो सेल्यूलोज जो है ये ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके क्या बनाता है, सेल्यूलोज बनाता है। लेकिन हेमी सेल्यूलोज क्या होता है, हेमी सेल्यूलोज ये नहीं मत समझना कि हेमी मतलब हाफ और सेल्यूलोज मतलब हाफ सेल्यूलोज, नहीं ऐसी बात नहीं है। हेमी सेल्यूलोज एक हेट्रोपॉलीमर है, सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है, मतलब एक ही यूनिट होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। लेकिन ये जो हेमी सेल्यूलोज होता है ये मैनोस एराबिनोस
साइलोस, ठीक है, इन सब का क्या होता है गैलेक्टोज, इन सब का क्या होता है मतलब चार इसके यूनिट होते हैं, इसका ये पॉलीमर, ठीक है, तो हेमी सेलुलोज हो, इसके बाद क्या होते हैं पेक्टिन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या होते हैं सेलुलोज होते हैं। अब देखिए सेल वॉल के जो प्लांट के सबसे, प्लांट सेल के सबसे बाहर वाले जो लेयर होते हैं उसको सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल के कई लेयर्स होते हैं, सबसे दो सेल, देखिए दो प्लांट सेल की बात करें, जैसे एक प्लांट सेल ये है और दूसरे प्लांट सेल ये, ठीक है, प्लांट सेल ये वन और टू, तो प्लांट सेल वन और प्लांट सेल टू को जो कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है, वो कौन है, वो है मिडिल लेवल। मतलब मिडिल लेवल जो होते हैं एक सीमेंटिंग लेयर की तरह काम, जैसे हमारे पास दो ब्रिक्स है और दो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है, सीमेंट उसी तरह से ये जो होते हैं जोड़ने के लिए दो प्लांट सेल को ये मिडिल लैमेला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि इस मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर दें तो दोनों प्लांट सेल फ्री हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इसी से जुड़े हुए। अब देखो कि मिडिल लैमेला में सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे आपको बताया गया कि ये क्या है, देखिए ये है मिडिल लैमेला बाहर की ओर। अब देखो मिडिल लैमेला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले जो सेल वॉल का लेयर प्लांट में अंदर बनता है वो है मिडिल लैमेला, ये क्या होंगे फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल लेयर है, ये फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल लेयर होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है, पहली बार जो लेयर बनता है उसी को हम लोग मिडिल, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें कि ये जो फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल लेयर है इसके बाद ये मिडिल लैमेला किसका बना, ये बने होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के बने हुए पहली बार। अब देखो आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि जब फल कच्चे होते हैं, फ्रूट्स अनराइप्ड होते हैं तो कैसा होता है, टफ होता है, लेकिन राइपनिंग के बाद फ्रूट कैसे हो जाते हैं, राइपनिंग के बाद फ्रूट सॉफ्ट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब फ्रूट की राइपनिंग होती है उस समय में मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करने वाले एक एंजाइम होते हैं वो रिलीज करते हैं जो क्या करता है कि मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करते हैं जिसके कारण फल फ्री हो जाते हैं, तो इसके कारण फ्रूट जो होते हैं सॉफ्ट, ठीक है, तो फ्रूट की सॉफ्टनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कि मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाते हैं इसलिए फ्रूट सॉफ्ट, तो ये बात हुई। अब देखो कि मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कैसे होता है सेल प्लेट से, सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है गॉल्गी बॉडी से, याद रखना गॉल्गी बॉडी से सेल प्लेट बनेंगे और सेल प्लेट से मिडिल लैमेला बनेंगे, ठीक है, तो ये देखिए बीचों बीच जो ये लेयर है ये से मिडिल लैमेला कहते हैं। इसके बाद इधर वाले जो हैं, इधर वाले सेल वन के सेल वॉल हैं, इधर वाले सेल टू के सेल वॉल। अब इसके बाद देखिए मिडिल लैमेला के जस्ट इनर टू मिडिल लैमेला, देखिए इसमें भी ये वाले लेयर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी वॉल। इधर भी देखिए ये वाले जो लेयर हैं इसको हम लोग, इस वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो लेयर आपको दिख रहा है अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल क्या होता है, ये सारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जितने भी प्लांट सेल होते हैं उन सब में प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो होते हैं ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और थोड़े बहुत पेक्टिन के बने होते हैं, ये इलास्टिक होता है, इसलिए आप देखते हो कि नए जो प्लांट के स्टेम होते हैं उसको आसानी से बैंड किया जा सकता है क्योंकि वो इलास्टिक होता है, उसको आसानी से बैंड किया जा सकता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी वॉल। अब देखो प्राइमरी वॉल के अंदर की ओर जो होंगे वो कई लेयर्स में होते हैं, देखो ये वाले और ये वाले जो हैं सेकेंडरी वॉल, इसी तरह से देखिए एस वन एस टू एस थ्री, मतलब ये तीन लेयर्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, इसी तरह से देखिए एस वन एस टू एस थ्री, ये तीन लेयर्स में डिवाइड किया गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं देखिए यहाँ पे ये सेकेंडरी वॉल के डिफरेंट सब लेयर्स हैं। सेकेंडरी वॉल क्या होता है कि ये ओल्ड प्लांट्स में प्रेजेंट है, जब वही स्टेम जब मैच्योर होता है, जब थोड़े से ओल्ड होते हैं तो वो टफ हो जाते हैं, तो टफ क्यों होंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, और इसमें देखिए सेलुलोज हेमी सेलुलोज तो होते ही होते हैं,
इसमें क्या होता है, इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, और लिग्निन के प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, इसमें टफनेस या रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए ये रिजिड होता है। अब कहते हैं कि सेल वॉल का काम क्या होता है। जैसे देखिए, प्लांट सेल के बाहर की ओर सेल वॉल है, तो कोई भी चीज यदि प्लांट सेल के अंदर एंटर यदि करती है तो सबसे पहले उसे किससे क्रॉस करना होगा, सेल वॉल को। तो सेल वॉल एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, दूसरी बात प्लांट के अंदर जो इम्यूनिटी होते हैं, इनेट इम्यूनिटी या फिर बैरियर के रूप में किसी भी पैथोजेन को एंटर करने में। इसके बाद देखिए, प्लांट सेल लीजिए, एनिमल सेल लीजिए, दोनों को आप इसमें हाइपोटोन या प्योर वाटर में या फिर डिआयनाइज वाटर में डालेंगे, एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएंगे, प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सेल वॉल उनको डैमेज से बचाता है, जिसको ऑस्मोटिक डैमेज कहते हैं, बर्स्ट होने से बचाता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है सेल वॉल के बारे में। और सेल वॉल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल लिविंग नहीं होते, सेल वॉल क्या होते हैं, डेड होते हैं। मतलब यदि प्लांट सेल लिविंग है, इसके बाद भी उसमें सेल वॉल डेड होते, ठीक है। इसलिए जब लिविंग सेल की डेथ होती है तो उसमें सारे कंपोनेंट तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन सेल वॉल रहता है, क्योंकि तो वो तो पहले से ही डेड है। ये मैंने सेल वॉल के बारे में आपको बताया। देखिए, थोड़ा सा फास्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, इसलिए थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो लेक्चर थोड़े से लंबे होते चले जा रहे हैं, तो हमने इसमें ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन हमने आज डिस्कस किया है, और नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग हाफ पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि रिमेनिंग पोर्शन जो इस चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे, और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप कैसा फील करते हो इस एग्जाम मैपिंग सीरीज में, आपको कैसा लगता है, आप किस प्रकार से फील करते हो, तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आपको बताएं। यदि आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ आप चाहते हो कि नहीं इसमें कुछ ऐड किया जाए, या सर किस प्रकार से आप मतलब आप पढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे आप मैसेज करना, ठीक है, आप मुझे बताना। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।